नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। श्री राम की नगरी अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन की तैयारी की जा रही है। यह तैयारी बड़े जोरों शोरों से चल रही है। इस तैयारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास व भूमि पूजन भी करेंगे। अयोध्या नगरी को एक दुल्हन की तरह भी सजाया जा रहा है। अयोध्या में जितने भी द्वार हैं व जितने भी सड़क हैं, उनको एक बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया जा रहा है, जिस जहां पर हमारे प्रभु राम जी का आगमन रहेगा। इसी बीच एक खास खबर राम मंदिर से सामने आ रही है कि राम मंदिर में 200 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल भी रखा जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि यह टाइम कैप्सूल शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के दौरान मंदिर के गर्भगृह में चांदी की 5 सलाई भी रखेंगे। इन 5 सलाओं का वजन करीब 40 किलो तक रहेगा। इन 40 किलो वजन की इन सलाओं का एक नाम भी रखा गया है, जिसमें से नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूना है। ये 5 नाम ज्योतिष शास्त्र द्वारा लिए गए हैं। भूमि पूजन के लिए नदियों का जल और 30 तीर्थों की मिट्टी लाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये पूरा कार्यक्रम ज्योतिष शास्त्र द्वारा व धार्मिक शास्त्र द्वारा किया जा रहा है। टाइम कैप्सूल की बात करें तो यह टाइम कैप्सूल मंदिर के नीम में 200 फीट नीचे डाला जाएगा। टाइम कैप्सूल हुआ अंग्रेजी नाम। इसे हिंदी भाषा में कहते हैं कालपत्र। कालपत्र भी इसे कहा जाता है। इस कालपत्र में जो जानकारी डाली जाएगी उसे ताम्रपत्र पर लिखकर डाला जाएगा। टाइम कैप्सूल डालने का मकसद इतिहास को सुरक्षित रखना होता है, ताकि भविष्य में लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। इसमें कुछ दस्तावेज होते हैं जिसमें कुछ खास जानकारी व इतिहास के बारे में लिखा जाता है कि भविष्य में इस समय पर प्राप्त करके इतिहास की जानकारी ली जा सके। आइए जानते हैं कि टाइम कैप्सूल होता क्या है। टाइम कैप्सूल धातु के एक कंटेनर की तरह होता है, जिसे विशिष्ट तरीके से बनाया जाता है और इसमें काफी धातुएं भी मिलाई जाती है। टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम और हर तरह की परिस्थितियों में खुद को सुरक्षित रखने में सक्षम होता है। उसे जमीन के अंदर काफी गहराई में रखा जाता है। काफी गहराई में होने के बावजूद भी ना तो उसे कोई नुकसान पहुंचता है और ना ही वह सड़ता गलता है, और इसे खास धातु से बनाया जाता है, जिससे कि यह काफी लंबे समय तक भी आराम से बना रहता है। और इसे भविष्य में अगर 200 या 500 साल बाद भी खोला जाए तो इसमें किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं पाई जाती है। दोस्तों, राम मंदिर की भूमि पूजन 5 अगस्त को होने जा रहा है। आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आप भी मनोकामना करें यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से और सभ्यतापूर्वक हो सके। धन्यवाद।